अच्छा असलाम भाई आपने एक बात सुनी होगी कि हमेशा आपको अपने ही मरवाते हैं जो आपके साथ के लोग होते हैं ना वही आपके साथ कुछ करते हैं हाँ, अभी जो आपके साथ के लोग हैं ना उन्होंने मुझे, मुझे दिया कि आप इनसे पूछेंता की तो खैर नहीं <laughs> सही है हाफिज भाई दरअसल बात यह है कि कोई भी लड़का हो कभी ना कभी उसको प्यार जरूर होता है अब उसको आप प्यार का नाम ले लें या उसको बेवकूफ बेवकूफाना हाँ, हरकत कह कुछ भी लें तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा दिल है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि मेरी लर्निंग हुई है, ठीक है। और अच्छी खासी हुई है।, है और बहुत बार हुई है <laughs> <laughs> मैं यही पूछने लगा था पहली बार कब हुई थी पहली बार कब हुई थी पहली बार मुझे स्कूल में हुई थी अच्छा टीचर पसंद आ गई थी

हमेशा लर्निंग हुई है मेरी और उस लर्निंग से मैं आज एक बहुत अच्छा शोहर बनाऊ वाह माशा करे आप अच्छे रहें। रहे रहे तो हो गया ना तो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं मैं बिल्कुल नहीं नहीं कुछ लोगों का रास्ता बाद में चेंज भी हो जाते हैं तो मैं दुआ दे रहा हूं कि चेंज ना हो आपका रास्ता हमारे एक मौलाना साहब है तारिक मसूद साहब जी जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त है मैंने उनके साथ दूसरी शादी तीसरी शादी जो आप क्या कहते हैं इस बारे में मैं आपको मजे की बात बताऊँ मुफ्ती साहब की मुफ्ती साहब के साथ पॉडकास्ट हुई कराची में मैंने उनसे पूछा जी चौथी शादी का इरादा है उन्होंने कहा मेरी हो चुकी है चौथी ये बातचीत हो गई उसके बाद एंड पे कहते यार अभी ना मैंने तीसरी को नहीं बताया कि मैंने चौथी कह लिया अभी दो दिन पहले करके आया हो तो तुमने ये हिस्सा काट दो तो। मैंने कहा ठीक है अभी तो ये एडिटिंग होनी है प्रोसेस है आप बता देना क्या करना है चार दिन बाद एडिटिंग हो गई उनका फिर फोन आया उन्होंने कहा यार वो ना तुम काट दो मैंने कहा फिर आप मेरे साथ वादा करें कि आप ये न्यूज किसी और को नहीं देंगे मैंने कहा मेरे से आप न्यूज़ भी ले लें और अगले दिन पता चले आपने अपने बयान में बता दिया सोचने लगे कहते बताऊंगा फिर दो तीन घंटे बाद उनका एक टीम मेंबर है अहमद उनसे मेरी बात हुई फिर मुफ्ती साहब से हुई उन्होंने कहा यार ठीक है भाई तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी तीसरी बीवी को आपकी पोड़का से पता चला कि मेरी चौथी हो चुकी मैंने कहा बेगम बुला लूंगा मसला नहीं है वो आ भी जाएंगे मुझे लगता है लेकिन जब वो निकाह के बाद जब वो बयान दे रहे होंगे ना कि बेटा एक कर लिया दूसरी भी कर लेना फिर नाराज मत होना तो मुझे नहीं बोल रहा दूसरी शादी के मशुरे क्यों दे रहे सो so, येस yes, मुझे वो बहुत पसंद है उनके बयान मैं मुझे सुनता हूं मैं और उनको पता है कि किस तरीके से आजकल के नौजवानों को नौजवानों तक अपनी बात पहुंचानी है बिल्कुल बिल्कुल तो वो उसी तरीके से पहुंचाते हैं और सुनने में बड़ा मजा आता है बिल्कुल अच्छा वो इस बात के साथ कोई ना कोई दीनी बात आपको पहुंचा जाए बिल्कुल ऐसे तो अब कोई इतना बड़ा बयान किसी मौलवी साहब का आजकल सुनता नहीं है अनलेस के मौलाना तारिक तो तो जो इस लेवल के लोग हैं ना जो मोहब्बत से बात करते हैं नॉर्मल जो हमारे उनको तो लोग नहीं सुनते तो नौजवानों को पकड़ना किधर किधर से किदर से है पकड़ना और है। क्या बात उनके दिमाग में डाल देनी है? बिल्कुल 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 अब जैसे हमारे एक एक उनको साहब को मैं देखता हूँ शाहिद अनवर साहब जी जी उनको भी पता है की लोगों तक कैसे बात पहुंचानी है तो वो तो थोड़ा जलील करके समझा गरीबों कर लो काम एमेजोन सामने पड़ा है ये कर रहा है सो so, हाँ समझाने का तरीका थोड़ा अलग है बट समझ आ जा जाती है आ जाती है अच्छा थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया थैंक यू सो मच आपसे इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, प्यारी बातें हुई माशाला से आपका चेहरा इतना प्यारा है ना मुस्कुराता हुआ आपसे बड़ी मुझे पॉजिटिव वाइब और बहुत अच्छा मुझे अच्छे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो ये चीज मैं लाज नहीं बताता हूँ यार आपसे मुझे बहुत पॉजिटिव है बहुत मैं अब... सिर्फ अच्छे लोगों को ही बुलाता हूँ बहुत अच्छा आज कंफर्म हो गया है अच्छे लोग पॉडकास्ट में आएंगे बस दो नंबर लोगों की हमारी पॉडकास्ट में कोई जगह नहीं है जो आपने पॉडकास्ट में ऊट पटांग बातें कर दी बेगम से कोई मांगना चाहे तो प्लेटफॉर्म घर <laughs> तो तो जाके पता <laughs> चलेगा कि ऊट पटांग थी नहीं थी लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जानवरों से प्यार करें और अगर प्यार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको हर्ट भी ना करें पहली बात दूसरी बात ये कि एक बात मैं कहना चाहूंगा बहुत सीरियसली कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे वालदे हैं तुम्हारे पास तुम्हारी अम्मी हैं तुम्हारे अबू हैं तो तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो ठीक है अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है अम्मी नहीं है अबू नहीं है दोनों अगर हैं तो इतनी इज्जत करो जितना ख्याल कर सकते हो करो जितना उनको प्यार कर सकते हो जितनी उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो जितनी तुम्हारी जो है इस्तात है जितना कर सकते हो तुम तो तो उनके लिए करो क्योंकि ये बहुत एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से मैं बयान नहीं कर सकता जिनके नहीं है सिर्फ वो ये चीज़ समझ सकते हैं मेरे वाले साहब का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ तो आई नो हाउ इट फील्स तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करो माँ बाप की इज्जत करो अगर बुरा भी कह रहे हैं ना अगर वो तुम्हें लगता है कि यार अजीब सी बात कर रहे हैं या इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं मुस्कुराओ एक्सेप्ट करो जैसा जो जो कह रहे हैं बस वो मान लो ये मैं कहना चाहूंगा बहुत जबरदस्त बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यूज